गाइस, मैंने ऐसा फोटोशूट पहले कभी नहीं किया जिसमें मैं डॉल बन के आ रही हूँ और क्यूट लगने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे इस फोटोशूट में. जनरली हर कोई जब फोटोशूट करता है दे गो बोल्ड, यू नो दे हैव हॉट एंड सेक्सी पिक्चर्स, बट देन ये वाला फोटोशूट मैंने सोच के रखा था कि इसे सॉफ्टर टोन में लेके जाऊँगी. एंड mainly this look that I am having, this is an inspiration from Audrey Hepburn. She's been a fab actress of her time, a true legend and a golden girl. And I think to be to pose like her in itself is like a great feeling, and you feel proud of the fact that you're an actress and you're in this field. And and I feel not just me, there are a lot of actresses out there जिन्होंने अपने घर पे Audrey Hepburn के pictures लगा के रखे हैं, pillow covers में उनके photographs है, wallpapers है उनके. So I am also one of them and I am trying to achieve a little bit of her look from her era. ऑल द लुक्स हैव बीन वेरी सटल, वेरी मोर ऑन द क्यूटर जॉनर. जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक था जिसमें व्हाइट शर्ट एंड ग्रे कलर का फ्रिल स्कर्ट था, जिसमें मैंने हाफ पोनी टेल बनाया. एंड दूसरा जो लुक था वो था एक ब्लू चेक ड्रेस. मैं एक्चुअली बहुत दिनों से ना द क्राउन सीरीज देख रही हूँ, और उसमें सब यू नो द प्रिंसेसेस एंड द क्वींस दे ऑल वेयर नाइस लाइक कंफर्टेबल ड्रेसेस. एंड आई वाज थिंकिंग काश यार मैं भी एक फोटोशूट ऐसा करा ही लेती हूँ करके. तो यू नो जितनी वो दिल की मुरादें होती है ना, वो हम शायद अपने फोटोशूट के से, मतलब फोटोशूट से पूरा कर लेते हैं. ओके, क्या कुछ फोटोशूट हो रहा है, बता दी किसके लिए हो रहा है, कहाँ आप दिखने वाली हैं? मैं आपको ये जो भी आपके पिक्चर्स आपने अभी आज देखे वो आपको मेरे इंस्टाग्राम के फीड में ही दिखने वाले हैं. आप सोच रहे होंगे कुछ बोले कि अभी पूछा नहीं. इट्स जस्ट माय ओन पर्सनल फोटोशूट दैट आई एम प्लान टुडे. You have seen your photos, photographer ने जो लिया है, कैसा लगा आपको? Oh, they are fab. I think their team is good. They're very good. I'm meeting them for the first time today. And so again, मैंने कहा कि मैं हमेशा अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मैं अपनी टीम के साथ भी एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ. फोटोग्राफर्स यू नो दे आर ऑलवेज, किसी की फोटोग्राफी में यू नो डेप्थ होती है, किसी के इसमें पोर्ट्रेट्स अच्छी आती है, किसी के आई थिंक एंगल्स बहुत अच्छे होते हैं. सो देयर इज अ इट्स अ गुड फीलिंग कि आप हर बार एक नए फोटोग्राफर, नई मेकअप आर्टिस्ट टीम या फिर यू नो नए स्टाइलिस्ट की टीम से मिले एंड यू क्रिएट मैजिक आउट ऑफ इट. ओके, लास्टली पूजा, बिफोर फोटोशूट व्हाट ऑफ प्रिपरेशन यू डू बेसिकली? You can't wake up till late in the night if you're planning for a photo shoot in the morning. Or hydration is must. You need to have good moisturized skin photo shoot ke liye. And बहुत ज़्यादा salt intake अच्छा नहीं होता है. मैं उतना salt intake से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ नींद से फ़र्क पड़ता है, because otherwise my eyes look swollen. और apart from that, I think it's good to know your team and who's doing the hair, who's doing the makeup, if you need to carry something for the photo shoot of your own, because बहुत time होता है कि you know आपके footwears आपके styling के साथ match ना करे, या फिर I think your lipstick specifically बहुत बार ऐसा होता है कि आपके lipstick you know आप comfortable हो जाते हो. यू प्रॉब्ली मेरा होता है, बिकॉज आई कैन यूज ओनली अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ लिपस्टिक एंड आई ऑलवेज कैरी वन फुल बॉक्स ऑफ लिपस्टिक्स विद मी. थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम.